हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। देखो यार, मैं एक क्रिएटिव फील्ड में काम करता हूँ, मुझे डिजाइंस बनाने पड़ते हैं और वो सारी चीजें मेरे दिमाग में होती है, लेकिन जो एग्जैक्ट मेरे दिमाग में वही पेपर पे उतरे ये मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं हो पाता है। उसका रीजन ये कि जो हमारे ऊपर जो क्रिएटिव हेड होते हैं उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, तो वो लोग बहुत सारी चीजें चेंज करते हैं। तो जो चीज हमने सोची होती है, जो विजन हमारा होता है, वो विजन पूरा का पूरा सत्यानाश कर देते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ है करण मल्होत्रा के साथ, जिनकी अग्निपथ जैसी गजब की मूवी मैंने देखा था, जहां पर वो हर एक चीज एकदम परफेक्ट वे में प्रेजेंट किए थे। लेकिन उसके बाद ब्रदर्स हो या ये पर्टिकुलर मूवी शमशेरा की बात करें, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि करण मल्होत्रा का जो विजन था उस विजन को प्रोडक्शन हाउस ने ठीक तरह से उतारने ही नहीं दिया। खैर, शमशेरा मूवी की बात करें तो इसकी ओवरऑल लेंथ ऑलमोस्ट 3.5 घंटे की है और कहानी फोकस करती है 1871, जहां पर हमें नजर आते हैं ट्राइबल पीपल जो खुद को खमीरन करके बुलाते हैं। अब इन ट्राइब्स लोगों पर बहुत सारे अत्याचार हुए, चाहे वो मुगल्स हो या जितने भी लोग, इनके ऊपर बहुत ही जमकर अत्याचार किए। अब खैर, इनका जो लीडर है शमशेरा, वो किसी भी तरह से अपनी इस ट्राइब को लोगों के अत्याचार से आजाद करना चाहते। ऐसे में शमशेरा को अंग्रेज लोग धोखा दे देते और कैद कर लेते। अब उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते, कैसे शमशेर अपने लोगों को आजाद करता है, फिर क्या कुछ होता है, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है, वो सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी की अगर मैं पॉजिटिविटी की बात करूं तो वो है इसका सिनेमेटोग्राफी, इसका बैकग्राउंड स्कोर और इसका VFX। ये तीनों ही डिपार्टमेंट में मूवी आपका दिल जीत लेगी। उसके अलावा एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पर एक्टर्स यार एक्चुअली एक्टर्स है, चाहे वो रणबीर कपूर हो, चाहे वो सौरभ शुक्ला हो, चाहे वो रोनित रॉय हो, चाहे वो संजय दत्त हो, ये चारों ही लोग। और हाँ, एक और फीमेल एक्ट्रेस है जिसका नाम मुझे भी फिलहाल याद नहीं, जो रणबीर कपूर की यहाँ पर वाइफ का रोल प्ले की है। इन पांचों एक्टर्स ने जो गजब का परफॉर्मेंस दिया है, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो इंटेंस हो, सभी डिपार्टमेंट में ये लोग बहुत ही मतलब खड़े उतरे हैं। लेकिन उसके अलावा मूवी की नेगेटिविटी की बात करें तो वो है इसकी कहानी, जो कि एकदम पतला सा पेपर है जिसको फूंक मारो तो फट जाएगा। उसके अलावा मूवी की जो लेंथ है उसको जबरदस्ती का स्ट्रेच किया। फर्स्ट हाफ तो फिर भी देखने लायक है, जहां पर हम लोग इस दुनिया में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेकेंड हाफ में चीजें यहाँ जाने के बदले यहाँ जाती है। मतलब जो डायरेक्शन पे इसको आगे बढ़ते रहना चाहिए वो डायरेक्शन खो देती है, बस कहीं और ही भागने लगती है। इसके अलावा काफी कुछ चीजें फिर प्रिडिक्टेबल हो जाती है, फिर जो एक्शन सीन्स आते हैं वो एक्शन सीन्स में भी उतने दम नजर नहीं आते जो एज ए व्यूअर हम लोग देखने आए थे। कैरेक्टर्स की बात करूँ, यहाँ पर रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है वो फादर और सन का है, तो उनके कैरेक्टर के बारे में उतना इमोशन यहाँ पर स्क्रीन पर हमें देखने को नहीं मिला जिससे हम उनसे कनेक्ट हो सके, उनकी सिचुएशन से कनेक्ट हो सके। और खमीरन जो ट्राइब पीपल्स है उनके बारे में बताया कि हाँ भाई, उन पर जुल्म हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मूवी ये उनके दर्द को उतारने में बहुत ही मतलब मुझे ऐसा लगता है वीक साबित होती है, जहाँ पर ऑडियंस को उनका पेन फील होता ही नहीं है। तो फिर जब आगे उनके जो चीज होती है, जब वो लोग आजादी के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे, तो वो दर्द हमें महसूस ही नहीं होता है। तो यहाँ पर कैरेक्टराइजेशन में कमी है। और अभी तक मैंने संजय दत्त की बात नहीं किया, क्योंकि अब मैं बात करूंगा। और संजय दत्त एज सुध सिंह, यार जब भी वो किसी मूवी में विलन का रोल प्ले करते हैं तो बस वही वो नजर आते हैं। और इस पर्टिकुलर मूवी में भी जिस तरीके से कॉमेडी प्लस जो एक मैनेसिंग, जो एक पागलपन उनके अंदर देखने को मिला, उनके कैरेक्टर में देखने को मिला ना, वो कोई और प्ले नहीं कर सकता संजय दत्त सर के अलावा। और इस पर्टिकुलर मूवी में भी संजय दत्त की जब जब एंट्री होती है तब तक ही स्टील द शो मैन रिटेली, मतलब वो क्या है, मेरे पास वर्ड्स नहीं संजय दत्त सर के लिए। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको स्क्रीन टाइम दिया ही नहीं, जैसे कि सौरभ शुक्ला के कैरेक्टर को या रोनित रॉय के कैरेक्टर को या वो उस फीमेल एक्ट्रेस जिसने रणबीर कपूर की वाइफ का रोल प्ले की, मतलब उन कैरेक्टर्स को ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया नहीं या जितना देना चाहिए था, मुझे पर्सनली ऐसा फील नहीं हुआ। इस वजह से वो कैरेक्टर बिल्डअप यहाँ पर मूवी में नजर नहीं आया। एक्शन की बात करो तो एक्शन अच्छे है, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर, यार वो एक्सपेक्टेशन पर खड़ा नहीं उतरा है। डायरेक्शन की बात करो तो करण मल्होत्रा का अपना एक विजन है जो आपको मूवी में नजर आता है, लेकिन उस विजन को उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया आई थिंक प्रोडक्शन टीम की तरफ से, जो कि बहुत ही सैड है। एडिटिंग मूवी की और भी अच्छी तरह से की जा सकती है, कि अगर आप लोग थिएटर में कोई मूवी देखो, अगर आपके चूतड़ दुखने लगे तो समझ लेना कि ये मूवी आपको बोर कर रही है। और ये चीज मेरे साथ इस पर्टिकुलर मूवी को देखते दौरान हुई है, जो कि अगेन काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। वाणी कपूर की बात करूँ तो उसके लिए तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, आदित्य चोपड़ा को अगर वाणी कपूर इतनी अच्छी लगती तो भाई शादी कर लो, अपने घर पर रखो और खुद ही उसको झेलो। उसकी वजह से आप लोग कुछ ऐसी मूवीज बना रहे हो जो मूवी ऑडियंस को झेलना भारी पड़ जा रही है। या तो आप लोग अगर मूवी बना रहे तो प्लीज वाणी कपूर को मतलब, क्योंकि ना ही उसको एक्टिंग आती है, मतलब क्या बोलूं मैं, क्यों है मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा फिल्म इंडस्ट्री में। खैर, पेरेंटल गाइडेंस में इतना बोलूंगा,
कि ये मूवी में कुछ भी ऐसा अश्लील नहीं है जो आपको नहीं देखना चाहिए, जाके आप लोग देख सकते हो। मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 6.5 out of 10। डेफिनेटली इट्स अ वॉचेबल मूवी फॉर दोस हु आर फैन ऑफ रणबीर कपूर, संजय दत्त, सौरभ शुक्ला, रोहित रॉय एंड कलन मल्होत्रा के डायरेक्शन आपको पसंद है तो। बाकी अगर आप लोग कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर शमशेरा देखोगे तो शायद आपको डिसअपॉइंट कर सकता है सेकंड हाफ में। तो अब हम लोग बात करेंगे द ग्रे मैन, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। मूवी की ओवर लेंथ 2 घंटे 9 मिनट की, और इसमें हमें नजर आते हैं धनुष, रैन गॉसलिंग, क्रिस एवंस, और इसे डायरेक्ट किया एंथोनी और जो रिसो ने, जो कि एवेंजर एंडगेम, सिविल वॉर और इन्फिनिटी वॉर जैसी मूवीज बनाई है। और इंडिया में इन डायरेक्टर्स का अच्छा खासा क्रेज है मेरा भाई। मूवी की कहानी फोकस करती है द ग्रे मैन, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो NIS स्टार्ट करता है, और इस प्रोग्राम में वो लोग क्रिमिनल्स को हायर करते हैं दूसरे क्रिमिनल्स को मारने के लिए। तो ऐसे में हमारे इस मूवी के मेन प्रोटैगनिस्ट की एंट्री होती है, जिसे कोड नेम दिया जाता है Sierra 6। अब Sierra 6 ग्रे मैन प्रोग्राम में 18 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन कहानी में कुछ ऐसी चीज हो जाती है जिसके बाद NIS वाले ही Sierra 6 के पीछे पड़ जाते हैं। अब कहानी में क्या ट्विस्ट है, क्यों पड़ रहे हैं, ये सब कुछ जानने के लिए तो भाई आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। क्योंकि मूवी के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, मिशन इम्पॉसिबल मीट्स जेसन बॉर्न, कि दोनों को मिला दो तो बनता है द ग्रे मैन। मूवी काफी एंगेजिंग है, काफी एंटरटेनिंग, काफी फास्ट पेस बनाई गई है, आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक सांस लेने का मौका नहीं देती है, लेकिन कुछ नयापन भी आपको प्रेजेंट नहीं करती है। मतलब ये सारी चीजें आप लोगों ने मिशन इम्पॉसिबल या जेसन बॉर्न जैसी मूवीज में देख चुके हो, लेकिन फिर भी आपको अच्छी लगती है क्योंकि एक्टर्स नए इसमें। और अगर एज इंडियन धनुष की बात करो तो भाई धनुष यहाँ पर एग्जैक्ट 1 घंटे 18 मिनट बाद स्क्रीन पर हमें नजर आते हैं। उनका कुछ बड़ा रोल तो है नहीं, समझ लो कैमियो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन वो अपने इस रोल में इंप्रेस करते हैं। हालांकि उनको एक्ट करने का मौका ज्यादा नहीं मिला, ना ही उनके पास कुछ डायलॉग से बोलने के लिए, बस उन्होंने जो एक्शन किए वो एक्शन देख के खुशी होती है। जब भी बोलते हो भाई हमारे इंडियन स्टार है, वो भी एक चहेते स्टार है, और वो किसी हॉलीवुड के प्रोजेक्ट में नजर आओ तो भाई दिल से खुशी होती है मेरा भाई। तो धनुष को देखकर अच्छा लगा, और इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर द ग्रे मैन का पार्ट 2 बनेगा तो धनुष का अच्छा खासा रोल हो सकता है उसमें। चलो जो हमारा मेन कैरेक्टर है Sierra 6, उसको काफी हद तक ऑडियंस को बताने की कोशिश की कि ये कितना ज्यादा स्ट्रांग है, ये किसी जेम्स बॉन्ड से कम है नहीं, और उसके कैरेक्टराइजेशन मुझे अच्छा लगा। मतलब एक्शन मूवी में कैरेक्टर्स पर कहाँ इतना फोकस करते हैं, बस धाड़ा धाड़ा स्टार्ट से लेकर एंड तक खत्म हो जाता है। क्रिस इवेंस यहाँ पर हमें नेगेटिव रोल में नजर आते हैं, जो उन्होंने अपने नेगेटिव रोल को अच्छी तरह से निभाया मूवी में। बीच बीच में जो कॉमेडी थी थोड़ा बहुत, वो कॉमेडी आपको हंसाती भी है। ओवरऑल एंथोनी और जो रूसो का डायरेक्शन अच्छा लगा मुझे। क्या बोलूं यार, मूवी के बारे में बोलने से कुछ है नहीं, मतलब सिर्फ एक्शन ही एक्शन है। ऑडियंस जो एक्शन लवर है उनको ये अच्छी लगेगी, बाकी जो लोग कुछ अलग हटके देखने आते हैं उनको ये इसमें कुछ भी ऐसा नजर नहीं आएगा। और इंडियन फैंस के लिए इतना बोलूंगा कि भाई धनुष के लिए इस पर्टिकुलर मूवी को जरूर देखना, और होप करो कि इसका सेकंड पार्ट बने, जो कि बन सकता है, क्योंकि जहां पर मूवी खत्म हुई है ऑब्वियसली इस तरीके की मूवीज के सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट आते ही रहते, तो ऐसा हो सकता है कि धनुष उसमें हमें मेन लीड में नजर आए। तो इस पर्टिकुलर मूवी को मैं रेटिंग दूंगा 7 out of 10। पेरेंटल गाइडेंस पे इतना बोलूंगा मूवी में अश्लील कुछ है नहीं। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।